हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। माई सेल्फ पूनम शर्मा, द एजुकेटर फ्रॉम रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल, आई वेलकम यू ऑल टू आवर ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड हाउ वॉज योर एग्जामिनेशन? आई होप यू ऑल हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। येस, सो स्टूडेंट, वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड अवर सेम वन। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट SEM 2, SA 2 syllabus I am going to start. In that, we are having total 5 chapters and 3 poems. So, students, we are going to start the very first chapter of the flower book SEM 2. And the name of the lesson is the Christmas song. Okay? Now, students, festive season have already started. Now we are going to celebrate Navratri, and after that, within few days, we are going to celebrate Diwali, and after Diwali comes which festival? Yes, you are absolutely right. We are going to celebrate the Christmas festival. Do you know, student, why do we celebrate Christmas? Christmas is celebrated as the birthday of our Jesus Christ. Okay, students? So many songs and carols are sung during Christmas celebration. So here now we are not going to sing any carols or song, but in this lesson, one bird, the name of the bird is Robin, it is going to sing a song for the king and queen. So what is this lesson? Are you ready to listen it? So let us start. Once upon a time, there was a robin who loved to sing. One Christmas morning, he met an old grey cat. She was going for a walk. Okay? Ek samay ki baat hai. There was a robin. Robin is the name of the bird who loved to sing. Jisko gana gana bahut pasand tha. Aur wo Christmas morning thi. Okay? He met an old grey cat. वो रॉबिन को कौन मिला रास्ते में? एक कैट, ग्रे कलर की कैट। शी वॉज गोइंग फॉर द वॉक। वो कैट कहाँ पर जा रही थी? वॉक यानी चलने के लिए, सैर करने जा रही थी। ओके, गुड मॉर्निंग रॉबिन रेड ब्रेस्ट, वेयर आर यू गोइंग दिस कोल्ड मॉर्निंग? तो वो कैट ने उसको क्या पूछा? क्या गुड मॉर्निंग, इतने सुबह सुबह ठंडी में आप कहाँ जा रहे हो? तो रॉबिन ने क्या बोला? आई एम गोइंग टू द किंग टू सिंग हिम अ क्रिसमस सॉन्ग। वो रॉबिन ने उसको आंसर किया, क्या मैं तो राजा के पास जा रहा हूँ उसको क्रिसमस सॉन्ग सुनाने के लिए। ओ बट वेट, बिफोर यू गो हॉप डाउन टू मी एंड आई विल शो यू द प्रेटी ग्रीन मफलर अराउंड माय नेक। हा हा हा, ग्रे कैट, यू कांट ट्रिक मी। आई एम नॉट कमिंग डाउन टू यू, आई एम फ्लाइंग स्ट्रेट टू द किंग। ओके, जो ग्रे कैट है वो कहाँ पर जा रही थी? सैर करने जा रही थी। और उसने किसको देखा? रास्ते में रॉबिन को देखा। तो उसने रॉबिन को क्या पूछा कि सुबह सुबह तुम कहाँ जा रहे हो? तो रॉबिन ने क्या रिप्लाई किया? क्या मैं तो राजा के पास जा रहा हूँ उसको क्रिसमस सॉन्ग सुनाने के लिए। तो कैट ने उसको क्या बोला? क्या अच्छा तुम जा रहे हो, कोई बात नहीं, पर जाने के पहले जल्दी तुम नीचे मेरे पास आओ, मैं तुमको मेरा एक मफलर, देखो कैट के गले में एक ग्रीन कलर का मफलर है। उसने क्या बोला? आई विल शो यू द प्रिटी ग्रीन मफलर अराउंड माई नेक। जो बिल्ली है उसके गले पे एक ग्रीन कलर का मफलर बांधा हुआ है। तो उसने बोला तुम नीचे आ जाओ, मेरा ये मफलर मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो रॉबिन हंसने लगा, हा हा, और बोला ग्रे कैट यू कांट ट्रिक मी, क्या तुम मुझे फंसा नहीं सकती और मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ, मैं तो यहाँ से सीधा राजा के पास जा रहा हूँ। Robin spread his wings and flew away. He flew until he came to a hillside. Here he saw an old fox looking out of a hole. Okay, Robin वहाँ से तो उड़ के चला गया और उसने रास्ते में क्या देखा? एक fox को देखा. Okay, वो जो अपने hole में से झाँक रहा था. गुड मॉर्निंग रॉबिन रेड ब्रेस्ट, वेयर आर यू गोइंग दिस कोल्ड मॉर्निंग? फिर
फॉक्स ने भी उसको यही सवाल पूछा, किसको, रॉबिन को, क्या इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। रॉबिन ने फिर से उसको रिप्लाई दिया कि मैं तो राजा के पास जा रहा हूँ गाना सुनाने के लिए। ओ बट वेट बिफोर यू गो लेट मी शो यू द ब्लैक स्पॉट दैट आई हैव ऑन माई टेल। फॉक्स ने क्या बोला, क्या तुम जा रहे हो तो जाने के पहले रुको और मेरे जो टेल है उस पे जो ये ब्लैक स्पॉट है ओके इसको देखो। रॉबिन फिर से हंसने लगा और हा 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 स्लाई फॉक्स आई डोंट वॉन्ट टू सी द स्पॉट ऑन योर टेल आई एम गोइंग स्ट्रेट टू द किंग। रॉबिन को पता था कि ये जो फॉक्स है ये बहुत चालाक है, तो उसने क्या बोला, मुझे तुम्हारे टेल पे जो भी स्पॉट है मुझे नहीं देखना है, मैं तो सीधा राजा के पास जा रहा हूँ। और रॉबिन वहाँ से भी उड़ गया। सो रॉबिन फ्लू अवे वंस अगेन, ही नेवर स्टॉप टू रेस्ट अंटिल ही सॉ अ स्मॉल बॉय। अब रॉबिन वहाँ से उड़ गया और वो कहीं पर भी नहीं रुका। वो कहाँ रुका, जब उसने एक छोटे से बच्चे को देखा। गुड मॉर्निंग रॉबिन रेड ब्रेस्ट, वेयर आर यू गोइंग ऑन दिस कोल्ड मॉर्निंग। आई एम गोइंग टू सिंग अ क्रिसमस सॉन्ग टू द किंग, कम नियर आई विल गिव यू सम क्रम्स। नो थैंक यू आई एम फ्लाइंग स्ट्रेट टू द किंग। अब सबसे पहले रॉबिन को कौन मिला, ग्रे कैट। उसके बाद रॉबिन को कौन मिला, फॉक्स। अब तीसरा रॉबिन को कौन मिला, एक स्मॉल बॉय। स्मॉल बॉय ने भी रॉबिन को पूछा कि इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ जा रहे हो करके। रॉबिन ने उसको क्या बोला, मैं तो किंग को के पास जा रहा हूँ, राजा के पास, उनको गाना सुनाने के लिए। तो वो बॉय ने क्या बोला, कम नियर आई विल गिव यू सम क्रम्स, मेरे पास हो मैं आपको कुछ ब्रेड क्रम्स देता हूँ। उसने क्या बोला, नो थैंक यू मुझे नहीं चाहिए, मैं तो राजा के पास जा रहा हूँ। ओके एंड सो ही डिड सैट ऑन अ विंडो सिल ऑफ द पैलेस, ही सॉन्ग द स्वीटेस्ट क्रिसमस सॉन्ग ही न्यू, ही वॉज हैप्पी बिकॉज इट वॉज क्रिसमस टाइम। अब वो कहाँ रुका नहीं, अब वो कहाँ पर गया, सीधा जो पैलेस यानी राजा का जो महल था उसकी जो विंडो थी, तो वो विंडो के ऊपर जो है बैठ गया और वहाँ पर बैठ के उसने बहुत ही मीठा सा सॉन्ग गाना शुरू किया। He has come so far to sing for us. What gift can we give him? जैसे ही राजा ने उसका मीठा गाना सुना तो राजा ने रानी को पूछा, क्या वो इतने दूर से हमारे लिए गाना गाने के लिए आए, अब हम उसको क्या गिफ्ट दें। Let us find out from our helpers. राजा ने बोला, क्या चलो हम अपने सभी जो है पैलेस में जो राजा के जो भी सिपाही हैं उनसे पूछते हैं क्या इसके लिए हम क्या गिफ्ट लाएं। तो रानी ने बोला, आई नो वॉट वी कैन डू, वी कैन फाइंड हिम अ फ्रेंड। रानी ने बोला, मुझे पता है हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, चलो क्यों ना हम इसके लिए एक फ्रेंड ढूंढ लें। द किंग क्लैप्ड हिज हैंड एंड कॉल्ड हिज हेल्पर्स, फाइंड अ फ्रेंड फॉर रॉबिन रेड ब्रेस्ट। आई नो अ बर्ड नेम जेनी, when she lives in the kitchen courtyard, bring her here. Raja ne kya kiya, taali bajayi aur jaise hi usne clap kiya to jo uska sipahi tha helper wo aaya turant aur Raja ne kya bola unko, sipahi ko bola kya jao Robin ke liye ek friend dhoond kar lao. To wo sipahi ne kya bola, sir mujhe ek bird pata hai jiska naam Jenny Wren hai और वो हमारे किचन में ही रहती है। तो राजा ने क्या बोला, जाओ उसको लेकर आओ। ओके जेनी व्रेन एंड रॉबिन रेड ब्रेस्ट लाइक ईच अदर वेरी मच। जो रॉबिन था उसको जेनी बहुत पसंद थी। ओके तो जैसे ही राजा ने उसको रॉबिन को जेनी गिफ्ट में दी तो वो बहुत खुश हो गया और वो दोनों ही विंडो के ऊपर बैठ के गाना गाते रहते थे रोज़ हमेशा के लिए, और ऐसे ही वो खुशी खुशी दोनों रहने लगे। तो आपको स्टोरी कैसे लगी स्टूडेंट्स, वॉजंट इज इंटरेस्टिंग। ओके आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। मैं इसके साथ आपको वर्ड मीनिंग्स का और स्पेलिंग्स का पीडीएफ भेजूंगी जो आपको नोटबुक में लिखना है। दिस इज़ ऑल फॉर द डे। माई सेल्फ पूनम शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल। मीट यू ऑल नेक्स्ट वीक विद अ न्यू वीडियो। Till then, goodbye and stay safe at your home. Bye-bye.